ना जाओ ना उसे मानते ना चलो कैसे जाओ जाओ दो आदमी जाओ अने जिस दिन दिन का हाँ दो आदमी और सभी दर्शकगण प्लीज खड़ा हो जाइए राष्ट्रगान के लिए सम्मान में प्लीज खड़ा हो जाइए सभी लोग खड़ा हो जाइए जन गण मन अति नायक जय हे भारत भाग विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा रागर उत्कल गंगा विंद हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलत तिरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे आप लोग इसी समय थोड़ा सा समाज कर लीजिए हमारे पंचायत मुखिया जी से जिनका मराज सिकंदर आलम साहब हैं माइक पर सिकंदर आलम साहब एक बार जोर लगाइए स्टार क्रिकेट क्लब मग के नौजवानों को मेरे तरफ से धन्यवाद और इस टूर्नामेंट में जितने भी टीम भाग लिए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे पास सुना जो भी खेल है खेल शांतिपूर्वक होना चाहिए खेल में किसी तरह का बात विवाद नहीं होना चाहिए मेरे तरफ से इतना ही बात करके मैं अपना बात करूँगा अब हमारे सामने में है सरपंच साहब अब्दुल कुद्दूस एक बार जोड़ा के लिए माइक पर धन्यवाद सबसे पहले मैं 2020 का नया साल का आप लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा और साथ साथ 2020 का खुशखबरी यह है कि हम लोग के सरजमीन ईश्वर तालाब के ऊपर जो विद्यालय है उसमें स्टार क्लब क्रिकेट का जो आयोजन होने जा रहा है क्रिकेट का खेल होने जा रहा है ऐसे नौजवान जिसने सोच के लिए सोचा है और जितना मेहनत किया है उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ दोस्तों खेल एक भावना है खेल खेलना चाहिए खेल में डिसिप्लिन माने लगता है डिसिप्लिन के बिना कोई चीज अच्छा नहीं लगता है और क्रिकेट में खासकर जो अंपायर होता है उनका डिसीजन लास्ट डिसीजन होता है जिस तरह से प्लेयर अपना कार्यभार को संभालते हैं जिस तरह से अपना कर्तव्य को निभाते हैं तो हम दर्शक दोनों को भी चाहिए कि उसको जब तक अपना डिसिप्लिन में न रहकर खेल का लुफ्त ले लेंगे तो फिर खेलने वालों को मजा होगा न देखने वालों को मजा होगा न फिर यहाँ का जो मैसेज जाएगा हमारे माननीय मुखिया जी सिकंदर भाई उस पर दारा जो मुखिया संघ का अध्यक्ष है और हमारे सरस्वती साहब मिस्टर भाई वो भी पधार चुके हैं अपना अपना कीमती समय छोड़कर जो नौजवान के हौसला को पूर्ण करने के लिए हमेशा वो लोग आगे रहते हैं तो मैं उस दोनों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग हर आयोजन में भाग लेते हैं जलसा जुलूस सभी से जितना भी है इसलिए मैं चाहूंगा कि वक्त की कमी है कुछ ही क्षण में फिर कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और मैं चाहता हूँ जो मुनाजी सर हमारे जो एम्बिशन कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं उनसे भी उस बात को सीखने के लिए हम लोग को मिलेगा एक और मैसेज जाएगा जय हिंद जय भारत जय बिहार अब थोड़ा समय लेते हुए हमारे यहाँ पंचायत के जो समिति साहब हैं जो एक वरिष्ठ खिलाड़ी भी रह चुके हैं इस पंचायत के पहले खेल से बहुत ज्यादा रुचि रखते थे दो चार बात दो चार शब्द आमने सामने हम सबों के बीच रखेंगे जोरदार क्लैपिंग एक बार समिति साहब के थैंक यू मुनाजिर मैं सबसे पहले दुश्मन की सरजमी में जो स्टार क्लब के नाम से यहाँ पर